गैर शहरी भारत में प्रौद्योगिकी को मुख्य धारा बनाने के लिए इंटेल सरकार के साथ मिलकर एक कदम उन्नति की ओर नाम से एक पहल की शुरुआत करता है। एक कदम उन्नति की ओर कार्यक्रम के तहत मूल स्तर पर ग्रास रूट लेवल्स प्रौद्योगिकी सक्षम परिवर्तन को सक्षम बनाने के लिए खाका तैयार करने हेतु इंटेल राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के साथ मिलकर काम करेगा। इंटेल का उद्देश्य देश भर में लास्ट माइल सिटीजन सर्विसेज मुहैया कराने वाले निकायों के साथ मिलकर काम करना है, ताकि वह डिजिटल इंडिया उन्नति केंद्रों की स्थापना कर सके। ये केंद्र नागरिकों को उपकरण, प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु और प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और इस प्रकार विकास एवं सशक्तिकरण के लिए अवसर पैदा करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो ई शिक्षा यानी ई लर्निंग या ऑनलाइन शिक्षा में नामांकन कैसे कराएं के बारे में जानना चाहता है, उसके लिए यह वीडियो मार्गदर्शक है। इस प्रस्तुति में चार वर्ग हैं: शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की भूमिका, ई शिक्षा का परिचय, ई शिक्षा के लाभ, ई शिक्षा हेतु नामांकन कैसे कराएं। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की भूमिका। कंप्यूटर ने शिक्षा को आसान और बहुत अधिक दिलचस्प बना दिया है। कंप्यूटर की मदद से आप अपने प्रासंगिक व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए नए विषय या कौशल प्राप्ति के गुण सीख सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा के अवसरों का एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान होती है। जानकारी प्राप्त करना, उदाहरण के लिए आप मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी इच्छा के अनुसार फसल की अच्छी पैदावार का उत्पादन करेगी। कौशल प्राप्त करना, उदाहरण के लिए आप सिलाई सीख सकते हैं, बिजली और घरेलू उपकरणों के रखरखाव के बारे में सीख सकते हैं या किसी भी जगह से एक नई भाषा सीख सकते हैं। आप ये सारे गुण ई शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। क्षेत्रों की सचित्र प्रतिनिधित्व। ई शिक्षा यानी ई लर्निंग का परिचय। ई शिक्षा यानी ई लर्निंग क्या है? ई शिक्षा यानी ई लर्निंग एक प्रक्रिया है जिसे कंप्यूटर के माध्यम से कहीं से भी शिक्षा की विषय वस्तु तक पहुंचा जा सकता है। इसमें आप टेक्स्ट, ऑडियो, चित्र, एनिमेशन और वीडियो के माध्यम से सीखते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करने को आसान और संवादात्मक बना देता है। आपको बस एक कंप्यूटर और इंटरनेट की जरूरत है। हम अब ऑनलाइन शिक्षा कैसे प्राप्त होती है को समझने के लिए एक छोटी सी क्लिप देखेंगे। ई शिक्षा यानी ई लर्निंग के लाभ। अपने काम और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हुए आप किसी भी समय और कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यह आपकी लागत, प्रयास, यात्रा में लगने वाले समय को बचाता है। साथ ही आपको पारंपरिक कक्षाओं में भाग नहीं लेना होता। आप विभिन्न पाठ्यक्रम सामग्री, आभासी कक्षा सत्र या रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान का उपयोग कर सकते हैं।
कुछ पाठ्यक्रमों के लिए आप ऑनलाइन आकलन और परीक्षाओं को पूरा करके प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर विभिन्न श्रेणियों के लिए कई सारे ई शिक्षा यानी ई लर्निंग पोर्टल्स उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए जानकारी प्राप्ति के लिए IASRI learnrise.in, कौशल प्राप्ति के लिए sahaj.co.in, nimilearningonline.in। शुरू करने से पहले अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी की जांच कर लें। फिर डेस्कटॉप पर इंटरनेट ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर के आइकन को देखें। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे, आप इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ई शिक्षा यानी ई लर्निंग के लिए नामांकन कैसे करें? अब हम कृषि शिक्षा पर बना शिक्षा पोर्टल ई कृषि शिक्षा में नामांकन कैसे करें सीखेंगे। ऑनलाइन पोर्टल पे जाने के लिए अपेक्षित URL को टाइप करें। उदाहरण के लिए http://ecourses.iasri.res.in। यह आपको ecourses.iasri.res.in के मुख्य पृष्ठ पर ले जाएगा। नए उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। यह नए उपयोगकर्ता पंजीकरण के लिए ई शिक्षा पोर्टल में आपका स्वागत है वाला पेज खोल देगा। आप इस पेज पर दो विकल्प देखेंगे, ऑफलाइन उपयोग के लिए निःशुल्क डाउनलोड पंजीकरण और ऑनलाइन प्रवेश के लिए पंजीकरण पर क्लिक करें। अब आप एक पृष्ठ देख रहे होंगे जिसमें आपके ईमेल आईडी के लिए अनुरोध होगा। अपनी ईमेल आईडी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। ईमेल आईडी भरने पर पेज पुष्टि करने के लिए पूछेगा कि क्या आप नया यूजर हैं? नया यूजर पर क्लिक करें। कुंजियन द्वारा अपने व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, लिंग, व्यवसाय और फोन नंबर भरें और अपनी प्रोफाइल बनाएं। कुंजियन द्वारा बाकी हिस्सों में जानकारी भरना जारी रखें। विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय विकल्पों का एक ड्रॉप डाउन वहां दिखेगा। विकल्प ड्रॉप डाउन से अपनी पसंद के विश्वविद्यालय पर क्लिक करें। हम एक उदाहरण के रूप में राज्य कृषि विश्वविद्यालय का चयन करते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू से विश्वविद्यालय के स्थान का चयन करके आगे बढ़ें। हम एक उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र पर क्लिक करते हैं। विश्वविद्यालय के स्थान के चयन के बाद अब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से कॉलेज का चयन करें। हम एक उदाहरण के रूप में कृषि कॉलेज सरलगांव महाराष्ट्र पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करें। अब आप एक संदेश आपका सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है देखेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करें। इससे कृषि शिक्षा पर ई शिक्षा पोर्टल का होम पेज फिर से खुल जाएगा। अगर आप विभिन्न ई शिक्षा कार्यक्रम को किसानों के लिए प्रस्तावित है देखना चाहते हैं, फार्मर्स पोर्टल टैब पर क्लिक करें। किसानों के लिए प्रस्तावित है, यह पृष्ठ आपको चित्रों के साथ खेती से संबंधित विषयों की एक सूची दे देगा। उदाहरण के लिए कृषि, बागवानी, वानिकी, बीज, पशुधन, मत्स्य, रेशम उत्पादन, डेयरी प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जैविक खेती और कृषि विपणन। हम एक उदाहरण के रूप में जैविक खेती पर क्लिक करते हैं। अगले पृष्ठ पर किसान यानी उपयोगकर्ता प्रमाणन पोर्टल का उपयोग करने के लिए अपना ईमेल आईडी डालें। विकल्प ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और इंग्लिश भाषा का चयन करें। सबमिट पर क्लिक करें।
आप एक पृष्ठ देखेंगे जिसमें जैविक खेती के परिणाम प्रदर्शित होंगे। आप लिंक का उपयोग करने के लिए अपनी पसंद के विषय का चयन कर सकते हैं। हम एक उदाहरण के रूप में जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर पर क्लिक करते हैं। अपनी पसंद के विषय चयन करने के बाद अब आप जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ एक पृष्ठ देखेंगे। आप संबंधित जानकारी को पढ़ सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं और अपनी गति से काम को पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ई शिक्षा ने सभी उम्रों, रुचियों, योग्यताओं और कौशल वाले लोगों तक पहुंचने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। 26 वर्षीय मनीष गर्ग PhD हैं और भारत के ग्रामीण कस्बे से ताल्लुक रखते हैं। अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करने के लिए इन्होंने स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ दी और ऑनलाइन शिक्षा का प्रयोग किया। आज ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में से एक है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर क्वांटम ऑप्टिक्स में वैज्ञानिक हैं। तो अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ई शिक्षा के साथ अपनी यात्रा आज ही शुरू करें। अब हम एक पुनरावृत्ति यानी रीकैप करते हैं। हमने निम्नलिखित के बारे में समझा। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की भूमिका, ई शिक्षा का परिचय, ई शिक्षा के लाभ, ई शिक्षा के लिए नामांकन कैसे करें। बधाई, अब आप समझ और जान चुके हैं कि एक ऑनलाइन पोर्टल पर सही पाठ्यक्रम की खोज कैसे करें, उस पर पंजीकरण की विधि क्या है और कैसे अपनी पसंद के पाठ्यक्रम को पूरा करना है। घर पे एक कंप्यूटर लाएं, स्मार्ट हो जाएं और जुड़े रहें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो को देखने में आनंद आया होगा। धन्यवाद।